ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, सस्पेंडेड एनिमेशन एफोरिज्म नंबर 67 में दिया हुआ है। तो एफोरिज्म 67 में जो फुटनोट है ना, वहाँ पे सस्पेंडेड एनिमेशन वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो सस्पेंडेड एनिमेशन को हम जानते हैं, सस्पेंडेड एनिमेशन पहले आप उस वर्ड का मीनिंग समझो कि सस्पेंडेड एनिमेशन मतलब क्या होता है, कि टेम्पररी स्लोइंग और स्टॉपिंग ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन सो दैट फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ आर प्रिजर्व। मतलब यहाँ पे टेम्पररी स्लोइंग हो रही है, स्टॉपेज हो रहा है बायोलॉजिकल फंक्शंस का, लेकिन वो टेम्पररी हो रहा है शॉर्ट टाइम के लिए, ताकि जो आपके बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ है वो प्रिजर्व रह सकें। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे डोरमेंसी में चले जाते हैं ना कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स हिबरनेशन में चले जाते हैं, तो वो क्या है, वो सस्पेंडेड एनिमेशन का एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में सस्पेंडेड एनिमेशन एफोरिज्म नंबर 67 की फुटनोट में दिया है। तो 67 की फुटनोट में क्या लिखा हुआ है कि ओनली इन द मोस्ट अर्जेंट केसेस वेयर द डेंजर टू लाइफ एंड इमिनेंट डेथ अलाउ टू नो टाइम फॉर द एक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी। मतलब यहाँ पे मोस्ट अर्जेंट केस का जिक्र किया है जहाँ पे होम्योपैथिक रेमेडी एक्ट करने में टाइम लगेगा, तो नॉट आवर्स, समटाइम नॉट इवन क्वार्टर आवर्स, इन स्कार्ली मिनट इन सडन एक्सीडेंट अकरिंग टू प्रीवियसली हेल्दी इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल एस्पेक्सिया और सस्पेंडेड एनिमेशन। तो ये सस्पेंडेड एनिमेशन हो चाहे एस्पेक्सिया हो, ये दोनों कंडीशन इमरजेंसी कंडीशन में आती है, जहाँ पे होम्योपैथिक रेमेडी का एक्शन होने का टाइम का वेट नहीं कर सकते, हमारे पास इतना भी समय नहीं है, क्वार्टर आवर्स और मिनट का समय भी नहीं है। तो लाइटनिंग हो गया सस्पेंडेड एनिमेशन, और ये जो एस्पेक्सिया कहाँ से क्यों होता है, लाइटनिंग की वजह से होता है, सफोकेशन, फ्रीजिंग, ड्राउनिंग। ठीक है, तो जब भी चार कंडीशन बताइए सस्पेंडेड एनिमेशन किससे होता है, फ्रीजिंग, लाइटनिंग, ड्राउनिंग। ठीक है, ड्राउनिंग हो गया, लाइटनिंग हो गया, सफोकेशन, फ्रीजिंग। तो ऐसे केसेस में अपन को क्या, एडमिसिबल एंड जुडिशियस एट ऑल इवेंट्स एज अ प्राइमरली मेजर टू स्टिमुलेट द इरिटेबिलिटी एंड सेंसिबिलिटी विद पेलिएटिव। तो ऐसे केस में अपन को पेलिएटिव ट्रीटमेंट देना है, एज फॉर इंस्टेंस विद जेंटल इलेक्ट्रिकल शॉक विद क्लिस्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। तो यहाँ पे एक स्टिमुलस देना पड़ेगा, पेलिएटिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, जेंटल इलेक्ट्रिकल शॉक, ठीक है, क्लस्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी और कुछ स्टिमुलेटिंग ऑर्डर्स, ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीट प्रोवाइड की जाएगी जिस ड्राउनिंग के केसेस में, स्टिमुलेटिंग ऑर्डर का यूज़ किया जाएगा, जेंटल इलेक्ट्रिकल शॉक, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन दिस स्टिमुलेशन इज इफेक्टेड द प्ले ऑफ वाइटल ऑर्गन अगेन गोस ऑन इट्स फॉर्मर हेल्दी मैनर। तो हमें बस स्टिमुलस देना है ताकि हमारा जो वाइटल ऑर्गन्स है वो अगेन हेल्दी मैनर में आ जाए। फॉर देयर इज हेयर नो डिसीज टू बी रिमूव्ड बट मेयरली एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड सप्रेशन ऑफ हेल्दी वाइटल फोर्स। तो इस कंडीशन में डिसीज़ नहीं थी, यहाँ पे क्या था कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया था, सप्रेशन हो गया था वाइटल फोर्स का। तो इस सप्रेशन और ऑब्स्ट्रक्शन को हमने किससे हटाया, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी से या इलेक्ट्रिकल शॉक या स्टिमुलेटिंग ऑर्डर या ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ हीट। टू दिस कैटेगरी बिलोंग वेरियस एंटीडोट्स टू सडन पॉइजनिंग, अल्कलीज फ्रॉम मिनरल एसिड। तो क्या है, एंटीडोट भी कर सकते हैं, अल्कली को एंटीडोट कर सकते हैं एसिड से, हिपार सल्फ्यूरस फॉर मेटेलिक पॉइजनिंग, है ना, हिपार सल्फ्यूरस का यूज़ कर सकते हैं मेटेलिक पॉइजन में, कॉफ़ी एंड कैम्फोरा फॉर पॉइजनिंग बाय ओपियम, ओपियम पॉइजनिंग हुई तो कॉफ़ी और कैम्फोरा।